morning. Exercise 11.2 question number 3. Number 3 वाला construction आप सीखेंगे हम circle का, right? इसका question है draw a circle of radius 3 cm. तो सबसे पहले क्या करना है, एक 3 cm radius वाला circle draw करना है. Take a two point P and Q. दो points लेने हैं P and Q. On one of its extended diameter, उसके डायामीटर को, जो फर्स्ट वाला सर्कल ड्रॉ किया है रेडियस 3 सेंटीमीटर वाला, उसके डायामीटर को एक्सटेंड करना है. और ईच एट डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट सेंटर, वो डायामीटर को एक्सटेंड करके उसका जो सेंटर है उससे 7 सेंटीमीटर दूर दोनों साइड पे एक एक पॉइंट लेना है. वो कौन से है, पी एंड क्यू. ड्रॉ अ टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम दिस टू पॉइंट्स पी एंड क्यू. ये दोनों पी एंड क्यू जो पॉइंट लिए वहां से ये सर्कल के ऊपर क्या करना है, टेंजेंट्स ड्रॉ करना है. तो रफली इसको मैं समझाऊं तो देखो, पहले तो क्या करना है, एक 3 सेंटीमीटर रेडियस लेके एक ऐसे सर्कल बन जाएगा, ये इसका सेंटर हो जाएगा ओ. फिर ये एक सेंटर हो गया, इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, राइट. 3 सेंटीमीटर रेडियस है, अब इसको डायामीटर को एक्सटेंड करना है, तो ये ऐसे डायामीटर बन जाएगा, राइट. ये डायामीटर बन जाएगा, अब ये 3 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा. अब ये जो डायामीटर है सेंटर से 7 सेंटीमीटर, सेंटर से यहाँ से 7 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट P लेना है, और एक पॉइंट इस साइड 7 सेंटीमीटर पे पॉइंट Q लेना है. क्या लेना है, Q. ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 7 सेंटीमीटर सेंटर से. फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट से यहाँ ऐसे क्या कंस्ट्रक्ट करना है, टेंजेंट. तो सेंटर से ये पॉइंट है तो हम इससे टेंजेंट ड्रॉ करना है. तो जो मेथड हमने सीखी है कि ये दोनों का पहले क्या करना है, बायसेक्टर ऑब्टेन करना है. ये बायसेक्टर ऑब्टेन करो तो मिड पॉइंट को सेंटर लेके फिर ऐसे सर्कल बनाएंगे, और ये जहां टच करेगा वहां पे टेंजेंट बनेगा. सिमिलरली इस पॉइंट का ये दोनों के साथ बायसेक्टर बनाना है, और यहां से भी एक ऐसे सर्कल बनेगा, और ये जहां टच करेगा वहां पे दो टेंजेंट बन जाएंगे. सिंपल मेथड वही है, सिर्फ इसमें डायामीटर को एक्सटेंड करके 7 सेंटीमीटर अवे दो पॉइंट्स लेने हैं, वो थोड़ा ट्विस्ट है, ठीक है. तो देखो, ये सेंटर ओ ले लिया, यहाँ से 3 सेंटीमीटर रेडियस ले लिया. ये 3 सेंटीमीटर रेडियस हमने लिया है ऐसे, देखो 3 सेंटीमीटर, ये रेडियस 3 सेंटीमीटर हो गया. इसका एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो ये सर्कल ड्रॉ करेंगे 3 सेंटीमीटर वाला. ये 3 सेंटीमीटर वाला एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, राइट. अब ये सेंटर को नाम दे दिया है हमने, इसका रेडियस हमें पता है कितना है, 3 सेंटीमीटर है. हमें इसका एक डायामीटर, ऊपर क्वेश्चन में दिया है कि एक्सटेंडेड डायामीटर, तो एक डायामीटर लेना है. तो एक डायामीटर, डायामीटर मतलब तुम्हें पता है जो सेंटर में से पास होता है लॉन्गेस्ट कोण, तो ये डायामीटर ऐसे मैंने बना दिया, ये डायामीटर, चलो ये डायामीटर बना दिया. ये डायामीटर को हम नाम दे देते हैं एक्स एंड वाई. क्या नाम दे देते हैं, एक्स एंड वाई. अब यही डायामीटर को एक्सटेंड करके, मतलब उसको आगे बढ़ा के उसके ऊपर सेंटर से 7 सेंटीमीटर अवे 7 सेंटीमीटर दूर दोनों साइड पे एक पॉइंट लेना है, जिसका नाम पी एंड क्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो 7 सेंटीमीटर ओ से इस साइड पे ले लेंगे, देखो 7 सेंटीमीटर पे, तो ये 7 सेंटीमीटर यहाँ हो गया. एक ये पॉइंट लेना है, इसको नाम देंगे P, और दूसरा इस साइड 7 सेंटीमीटर लेना है. तो ये सेंटर पे 7 रखा और यहाँ पे आ जाएगा P एंड Q. क्या हो गया, P एंड Q, ये दो पॉइंट हो गए. अब इसको डायामीटर को एक्सटेंड कर देना है ऐसे, देखो ये P एंड Q हो गया, राइट. अब ये जो P एंड Q है यहां से इसके ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं, फर्स्ट वाले सर्कल के ऊपर, ये जो हमने ड्रॉ किया है रेडियस 3 वाला, और यहाँ से भी रेडियस टेंजेंट्स ड्रॉ करना है. तो टेंजेंट्स ड्रॉ करने के लिए हमने क्या किया था, सबसे पहले जहाँ से टेंजेंट्स ड्रॉ करना है वो पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दो. तो यहाँ पे तो ज्वाइंट ही है, तो ये दोनों का बायसेक्टर ऑब्टेन करना है. क्या करना है, बायसेक्टर. बायसेक्टर ऑब्टेन करने के लिए मोर देन हाफ रेडियस ले लो, और उसका बायसेक्टर ऐसे कर, ओ को सेंटर लेके ऊपर
और नीचे दो आर्क देने, फिर पी को सेंटर लो और ऊपर नीचे दो आर्क दे दिए। ये जो दो पॉइंट है ये दोनों को ज्वाइन करो तो उसका बाइसेक्टर बन जाएगा, और ये बाइसेक्टर जो होता है वो मिड पॉइंट से इंटरसेक्ट करता है, राइट। तो ये तो इससे हमें क्या मिल गया, मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट को नाम दे देते एम, राइट। अब हमने क्या किया था उसमें कि जो मिड पॉइंट हमने ऑप्टेन किया है वो मिड पॉइंट को सेंटर लेना है और उसका रेडियस ओ एम या ओ पी, दोनों सेम ही होगा, ओ एम या ओ पी लेना है, ओ एम या ओ पी, और उसके ऊपर से सर्कल बनाना है। देखो जैसे एक सर्कल बना दिया है, ये जो सर्कल बनेगा वो सर्कल रेडियस 3 सेंटीमीटर लेके जो सर्कल ड्रॉ किया था उसे दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। ये जो दो पॉइंट होंगे एक ये और एक ये, उसको नाम देना है ए एंड बी, ए एंड बी। अब हमें पता है कि ए एंड बी पॉइंट जो इंटरसेक्ट करे करते हैं उसको पी के साथ ज्वाइन करो तो क्या मिलेगा, टेंजेंट। क्या मिलेगा, ये टेंजेंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, टेंजेंट। और यहाँ से पी के साथ फिर से इसको ज्वाइन कर दो तो क्या मिल जाएगा, टेंजेंट। तो ये दो हमने ड्रॉ कर दिए टेंजेंट फ्रॉम पी से। अब दूसरे जो टेंजेंट ड्रॉ करने हैं वो दो कहाँ से ड्रॉ करने हैं, पॉइंट क्यू से। तो क्यू से ड्रॉ करने के लिए भी यही मेथड करनी है, तो उसके लिए भी पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो ओ क्यू जो है उसको बाइसेक्ट करना पड़ेगा। तो बाइसेक्ट करने के लिए मोर देन हाफ रेडियस लेना है और ऊपर एक आर्क देंगे क्यू को सेंटर लेके और एक क्यू को सेंटर लेके दूसरा नीचे आर्क, राइट। उसके बाद किसको सेंटर लेंगे, ओ को, क्योंकि ओ क्यू का बाइसेक्ट करना है, ये एक सेंटर ये एक सेंटर। अब हमें क्या करना है, तो इसका बाइसेक्टर बन जाएगा, ये दोनों पॉइंट जो है उसको ज्वाइन करो तो हमें क्या मिलेगा, उसका बाइसेक्टर मिल जाएगा। ये बाइसेक्टर मिल गया, ये बाइसेक्टर मिल गया। अब ये जहाँ इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट को हम नाम दे देते हैं एन। क्या नाम दे देते हैं, एन। ये भी मिड पॉइंट हो गया, किसका मिड पॉइंट हो गया, ओ एंड क्यू का। जहाँ से भी टेंजेंट थ्रो करने हैं वो पॉइंट एंड सेंटर, वो दोनों का पहले मिड पॉइंट ऑब्टेन कर देना है। अब ये मिड पॉइंट एन है तो हमें उसके ऊपर से भी एक सर्कल थ्रो करना है, तो रेडियस कौन सा लेना है, तो एन ओ या फिर ये एन क्यू, ये दोनों सेम ही रेडियस होंगे, राइट। ऐसे एक सर्कल बना देना है उसको, जो अभी बनाया था पहले ऐसे दूसरा एक सर्कल बनाए, ये सर्कल 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला जो सर्कल है उसे इंटरसेक्ट करेगा, कहाँ पे, दो पॉइंट पे, ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट। इसको नाम दे देते सी एंड डी। क्या नाम दे देते, सी एंड डी। अब ये सी एंड डी ये दो पॉइंट पे टच करता है तो यहाँ से क्यू के साथ ज्वाइन करेंगे तो एक टेंजेंट मिल जाएगा, राइट। ये एक टेंजेंट मिल जाएगा, देखो ये ऐसे टेंजेंट मिलेगा, और फिर क्यू और डी ये भी एक क्या मिल जाएगा, टेंजेंट। तो ये दो टेंजेंट क्यू से बनेंगे, क्यू सी एंड क्यू डी, और पी से दो टेंजेंट पी ए एंड पी बी, चार टेंजेंट ड्रॉ हो गए। तो ये कंस्ट्रक्शन था। अब इसको मैं स्टेप्स के साथ फिर से एक बार बोल देता हूँ, वो समझ लो तुम तो फिर से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया था कि 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल ड्रॉ करना है, उसके बाद उसका एक डायामीटर है उसको एक्सटेंड करके सेंटर से 7 सेंटीमीटर दूर दो पॉइंट्स लेने हैं पी एंड क्यू, जो दोनों पॉइंट सेंटर से 7 सेंटीमीटर दूर है और वो डायामीटर के ऊपर ही लेने हैं, राइट। तो वो दो पॉइंट पी एंड क्यू हमने लिए थे, फिर वही दोनों पॉइंट से हमें टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं ये सर्कल के ऊपर, राइट। तो अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में बोल रहा हूँ, देखो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है उसके। तो सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ किया, तो ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर, ये उसका फर्स्ट स्टेप्स हो गया, यही लिखना है तुम्हें कि ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस फॉर 3 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद हमने दो पॉइंट लिए थे पी एंड क्यू, तो टेक अ पॉइंट्स पी एंड क्यू ऑन इट्स एक्सटेंडेड डायामीटर, ये जो डायामीटर है उसको एक्सटेंड कर दिया
diameter xy. So take a point P and Q on its extended diameter xy, each at distance 7 cm from center O. ये दोनों each मतलब ये भी और ये भी एक एक दोनों 7 cm दूर है किससे center से. ये second step हो गया right. फिर उसके बाद क्या किया हमने, तो P से tangents बनाना है तो हमने OP का bisector बनाया. तो bisect segment OP टू ऑप्टेन इट्स मिड पॉइंट M. हमने M लिया है तो M दे देना है ना, मिड पॉइंट M ऑप्टेन कर दिया. उसके बाद क्या किया, तो M को सेंटर लेके M O रेडियस लिया और एक सर्कल ड्रॉ किया. तो ड्रॉ द सर्कल विद सेंटर M एंड रेडियस OM टू इंटरसेक्ट द सर्कल विद रेडियस 3. ये जो सर्कल बनेगा वो किसको इंटरसेक्ट करेगा, 3 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल को. वो जो दोनों पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उसे क्या नाम देना है, ए एंड बी. फिर उसके बाद क्या किया हमने, तो जॉइंट पी ए एंड पी बी ज्वाइंट कर दिया. अब उसके बाद सिमिलरली हमें दूसरी साइड पे करना है, क्यू और ओ. तो क्यू से टेंजेंट्स बनाने हैं तो पहले ओ क्यू का क्या ऑप्टेन करना है, मिड पॉइंट बायसेक्ट करके. तो बायसेक्ट द सेगमेंट ओ क्यू एंड ऑप्टेन मिड पॉइंट एम, एंड मिड पॉइंट ऑप्टेन कर दिया राइट. उसके बाद ये जो एन मिड पॉइंट ऑप्टेन कर दिया उसको सेंटर लेके रेडियस एन क्यू या एन ओ लेके एक सर्कल ड्रॉ करना है विच इज इंटरसेक्ट द सर्कल विथ रेडियस 3 सेंटीमीटर. वो भी 3 सेंटीमीटर वाले सर्कल को दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, उसके नाम दिया सी एंड डी. क्या नाम दिया, सी एंड डी. तो यहाँ भी लिखेंगे कि ड्रॉ द सर्कल विथ द सेंटर एन एंड रेडियस एन क्यू या एन ओ टू इंटरसेक्ट द सर्कल विथ सेंटर ओ टू सी एंड डी. सी एंड डी पे इंटरसेक्ट करेगा. फिर क्या करना है, ज्वाइन क्यू सी एंड क्यू डी, क्यू सी एंड क्यू डी ज्वाइन कर दो. उसके बाद अब क्या हो जाएगा कि देन पी ए पी बी क्यू सी एंड क्यू डी आर रिक्वायर्ड टेंजेंट. ये चार क्या हो जाएंगे, रिक्वायर्ड टेंजेंट. तो इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यहाँ लिखे हुए, देखो ये तो मैं लिख लेने, ठीक है, जो मैंने भी बोल के बताया वही स्टेप्स है. ऑन लैंग्वेज में उसको लिख सकते हो, थोड़ा चेंजेस हो जाएगा तो चलेगा. स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में ज़रूरी नहीं है कि उसको हम रट्टा मार ले, जो भी हम ड्रॉ कर रहे हैं कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वही हमें अपनी लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है. तो ये कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट. याद रखना है कि दो पॉइंट लेने हैं इसमें दोनों साइड पे और वहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करना है. ओके.